गुड मॉर्निंग गर्ल्स, और कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, मामा की पंचायत। इस पार्ट को शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी, इस पार्ट के माध्यम से हम शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, स्वयं पढ़ना एवं दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये हम इस पाठ के माध्यम से अभी पढ़ेंगे। गांव के 5 बच्चों मुन्नी, सोनू, सूरज, प्रकाश और लता में गहरी मित्रता थी। मित्रता यानी दोस्ती। मुन्नी और सोनू भाई बहन थे। उसी गांव में प्रेम मामा रहते थे, जो गांव के विद्यालय में शिक्षक थे। विद्यालय यानी स्कूल में टीचर थे। वे बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। खुश मिजाज यानी जो खुद तो खुश रहता ही है, साथ में सबको खुश रखता है। वे स्वयं तो हमेशा खुश रहते ही थे, साथ ही सबको खुश रखने का भी प्रयास करते थे। वे हमेशा ही बच्चों को ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक यानी नॉलेजेबल, जिससे हमको अच्छी अच्छी बातें मालूम पड़ती थी ज्ञान के बारे में, ओके, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज और चुटकुले सुनाया करते थे। ये 5 बच्चे अक्सर मामा से चुटकुले और कहानियाँ सुनते थे, उनसे अनेक प्रश्न करते थे और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। किस तरह के क्वेश्चन करते, जब वो उनसे कहानियाँ उनको सुनाते थे ना, तो उन कहानियों से रिलेटेड वो बच्चे उनसे क्वेश्चंस करते थे और उनके आंसर्स उनको मामा से मिलते थे। वह संतुष्ट और खुश हो जाते थे। मामा ने इन 5 बच्चों को गांव के कल्याण यानी उसकी उन्नति प्रगति के लिए चुना था। मामा को कभी किसी ने उदास नहीं देखा, दुखी नहीं देखा। वे अक्सर कहते, बुरे दिन आए हैं तो क्या, अच्छे दिन भी आए दूर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास कभी दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है ना। जैसे अभी अपन परेशान है ना, कोरोना में अपन सब घर पे हैं, पढ़ाई स्कूल नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ बाहर नहीं जा सकते, तो क्या है, देखा जाए तो ये अपने बुरे दिन ही हैं, लेकिन ये जैसे ही सब कुछ ख़त्म होगा तो हमारे अच्छे दिन भी आ जाएंगे। कभी चिंता मत करो, सदा मस्त रहो, खुश रहो। गाँव के लोग भी उनकी इज्जत करते थे, इज्जत यानी रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे, वह उनकी बातों को मानते थे। मामा हमेशा ही गांवों के लोगों की भलाई और गांव की तरक्की के बारे में सोचा करते थे। तरक्की यानी किस तरह से गांव में सब अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएं, कैसे यहां पे आगे की प्रगति की जाए, स्कूल कॉलेज खोले जाएं, कुछ अच्छा सब कुछ हो, और गांव में फैली निरक्षरता को दूर करने के उपाय सोचते रहते थे। निरक्षरता यानी अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, निरक्षर, निरक्षर जिसको किसी भी अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, ओके, वो हो गया निरक्षर, अनपढ़ व्यक्ति। एक बार बच्चे उनके पीछे पड़ गए, बोले, प्रेम मामा, अच्छे मामा, हमें शहर का बाजार दिखा दो। शहर का बाजार भी गांव में, तो गांव तो छोटा होता है ना, वहाँ सब छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, पर शहरों में बड़ी बड़ी शॉप, उसके मार्केट अच्छे होते हैं, तो बच्चे वो देखना चाहते थे। सुना है बाजार में सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। यह सुनकर उन्हें गांव में फैली निरक्षरता को दूर करने का एक उपाय सूझा। वे बोले, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शहर का बाजार बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलती हैं। मैं तुम्हें शहर घुमाने ले चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कहा प्रेम मामा ने, कि ठीक है, उन्होंने ओके कर दिया, आप अपन शहर चलेंगे घूमने के लिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारी एक शर्त है। वे बोले, पहले अपने अपने अभिभावकों से लिखवा कर लाओ कि वे तुम्हें मेरे साथ शहर जाने की अनुमति देते हैं। अभिभावक यानी माता पिता, उनसे क्या लिखवा के आना है कि अनुमति यानी परमिशन, कि क्या वे तुम्हें मेरे साथ शहर भेजेंगे। बच्चों ने प्रेम मामा की शर्त तुरंत मान ली और खुश होते हुए 5 बच्चे अपने अपने घर जाने लगे कि अचानक बच्चे रुक गए और कुछ खुसुर फुसुर यानी धीरे धीरे आपस में कुछ बोलने लगे, करने लगे। मामा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे कदम क्यों रुक गए?
सब एक साथ एक स्वर में बोले, मामा हमारे अभिभावक निरक्षर हैं, हमारे माता पिता निरक्षर यानी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, वे अनुमति कैसे लिखेंगे, परमिशन कैसे देंगे, रिटर्न में लिख के कैसे देंगे वे, आप कहें तो उनसे कहलवा दें, जस्ट मतलब वर्बली उनसे बोलने को बोल दें। प्रेम मामा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, कितनी लज्जा, लज्जा यानी शर्म की बात है कि गांव के सभी बच्चे साक्षर, साक्षर यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति, ओके वो क्या है साक्षर, और अभिभावक निरक्षर, माता पिता अनपढ़। लता ने प्रश्न किया, इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं। प्रेम मामा ने कहा, तुम उन्हें पढ़ना लिखना सिखा सकते हो। पांचों बच्चों ने आपस में कुछ बातें की और अपने अपने घर चले गए। सभी बच्चों ने अपने अपने अभिभावकों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको समझ में आ गया ना, अभिभावक यानी पेरेंट्स, माता पिता। शुरुआत में तो माता पिता को अपने बच्चों से पढ़ने में शर्म आई, हाँ इसी बात है, देखो सही है ना, मम्मी पापा को, मम्मी पापा बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चे मम्मी पापा को पढ़ाएंगे तो थोड़ा तो उनको तो शर्म तो आती है ना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। किसने, सबके मम्मी पापा ने। उनकी देखा देखी गाँव के अन्य जो दूसरे निरक्षर लोगों ने भी अपने बच्चों से शिक्षा ग्रहण की। इन बच्चों के माता पिता तो उनसे पढ़ ही रहे थे, लेकिन उनका देखा देखी दूसरे जो पेरेंट्स थे उनको भी लगा कि अरे हमें भी पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसको उन सबको समझ में आ गया। और अब गांव के लगभग सभी लोग साक्षर हो गए, यानी पूरा गाँव पढ़ा लिखा हो गया। वहाँ सबके बच्चों ने अपने अपने मम्मी पापा को पढ़ना लिखना, पढ़ना भी और लिखना भी सिखा दिया। इस तरह लगभग एक महीने तक प्रेम मामा और बच्चों की पंचायत नहीं लगी। पंचायत यानी जहाँ वो बैठ करके साथ में बातें करते थे, वो एक महीने तक नहीं वहाँ पर बैठे, बच्चों ने सिर्फ अपने पेरेंट्स को पढ़ाया। एक महीने के बाद शनिवार की शाम पांचों बच्चे अपने अपने घर से निकले, उन्होंने प्रेम मामा को घेर लिया। उन्होंने 5 लिखित अनुमति पत्र प्रेम मामा को दिए, अनुमति पत्र यानी परमिशन लेटर, जिसमें उसमें उनको पेरेंट्स ने लिख करके उनको दिया था, मामा ने गांव के लोगों को साक्षर बनाने का सफल प्रयास करने के लिए बच्चों की पीठ थपथपाई। साक्षर प्रयास यानी सबके मम्मी पापा, सबके माता पिता, सबके पेरेंट्स क्या हो गया, पढ़ लिख गए, इसके लिए प्रेम मामा बहुत खुश है और उन्होंने बच्चों की पीठ थपथपाई यानी उनको शाबाशी दिया। अब बारी थी अपनी शर्त पूरी करने की, क्योंकि प्रेम मामा ने उनसे शर्त लगाई थी ना कि जब वो ऐसा करेंगे लिखित में लेके आएंगे तब वो उनको लेके जाएंगे शहर। प्रेम मामा बच्चों से बोले, कल रविवार है, शहर हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर है, हम लोग कल शहर चलेंगे। इतना सब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी ये चैप्टर, ये वाला पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसका शेष भाग जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आप लोग आज पूरा ये चैप्टर अगेन एक बार फिर से रीड करके और इसको समझेंगे, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू।